नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम डीएलएड बीएड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने, शिक्षा निरंतर विकास की प्रक्रिया है, एजुकेशन एस ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा एक विनियोग है, एजुकेशन एस एन इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है, एजुकेशन एस ए कल्चर एंड क्रिएटर। चौथा पॉइंट है आपके सामने, शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण है, एजुकेशन एस ए टीचर ट्रेनिंग। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन है, एजुकेशन एज सोशल चेंज। अब दोस्तों देखिए, हम एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला पॉइंट, शिक्षा निरंतर विकास की प्रक्रिया है, एजुकेशन एस ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक विकास किया जाता है। इन सभी विकासों के द्वारा बालक आगे बढ़ पाता है। शिक्षा शास्त्रियों तथा दर्शन शास्त्रियों में भी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना है। यहाँ उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, शिक्षा एक अर्जित संपत्ति है। दोस्तों शिक्षा का अर्जन किया जाता है, शिक्षा वंशानुक्रम प्रक्रिया नहीं होती है। शिक्षा वंशानुक्रम के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा एक अर्जित संपत्ति है जिसका अर्जन किया जाता है। जब दोस्तों शिक्षा का अर्जन किया जाता है तो शिक्षा का निरंतर विकास होता है। यानी कि दोस्तों जब से बालक पैदा होता है तब से लेकर जीवन पर्यंत तक, जब तक वह मृत्यु शैया पर नहीं पहुंच जाता, वह समाज से, विद्यालय से, किसी न किसी व्यक्ति से, प्रकृति से, कैसे न कैसे करके वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। दोस्तों इस प्रकार उसका विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया में उसका निरंतर विकास होता है। जब वह जीवन पर्यंत वह सीखता रहता है तो उसका विकास कैसा होता है, निरंतर होता रहता है, विकास होता रहता है। विकास दोस्तों आजीवन होता रहता है। अब दोस्तों देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास करे। देखिए दोस्तों, गांधी जी महोदय कहते हैं कि, राष्ट्रपिता गांधी जी महोदय कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आत्मा, बुद्धि सब का विकास हो, तो इसे हम दोस्तों शिक्षा कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आपके सामने, शिक्षा एक विनियोग है, एजुकेशन एस ए इन्वेस्टमेंट। विनियोग से तात्पर्य है लागत से अधिक उत्पादन, अर्थात विनियोग का अर्थ है किसी भी मद को जो व्यय किया जाता है या लागत लगाई जाती है उससे अधिक पूंजी प्राप्त हो, उसे विनियोग कहा जाता है। अभिभावक शिक्षा पर इसलिए व्यय करते हैं क्योंकि उसके बदले जो भी प्राप्त हो वह लागत से अधिक हो। इसलिए माता पिता बालक व बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए दोस्तों, विनियोग किसे कहते हैं। विनियोग हम उसे कहते हैं जब हम किसी भी वस्तु के उत्पादन से पहले जो उसमें लागत लगाते हैं, लागत हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमको जो उत्पादन प्राप्त हो वह उससे अधिक हो। जैसे कि गेहूँ की बुआई की समय आ गया है, गेहूँ की बुआई हम लोग इसलिए करते हैं कि गेहूं की आज हम कम दाने को बोते हैं और उसकी सिंचाई उचाई करते हैं, लेकिन जब वो पैदा होती है तो हमारे लागत से कई गुना ज्यादा होती है। इसे दोस्तों हम एक विनियोग कहते हैं। अब दोस्तों विनियोग का प्रयोग यदि हम शिक्षा में करें तो शिक्षा भी एक विनियोग है। जो हमारे माता पिता हैं वह हमारे पढ़ाई पर, हमारे शिक्षा पर इसलिए खर्च करते हैं कि भविष्य में यह बच्चा जितना पढ़ा है उससे अधिक वह कार्य करेगा, व्यवसाय करेगा, उससे अधिक वह कमाएगा। जितना पैसा आज हम खर्च किए हैं उससे अधिक यह कमाएगा और इससे शिक्षा से वह बेहतर अपना जीवन यापन कर सकेगा, अपनी जीविका अच्छे से चला सकेगा। अब दोस्तों देखिए, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है, एजुकेशन एस ए कल्चर एंड क्रिएटर ऑफ सोसाइटी। शिक्षा भविष्य के निर्माण के लिए दी जाती है। शिक्षा द्वारा ही नए समाज का निर्माण होता है तथा यही समाज नई शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। शिक्षा की प्रकृति भविष्यात्मक होती है। देखिए दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ का माहौल अच्छा बना सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम एक दूसरे से अच्छे व्यवहार कर सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। अब दोस्तों देखिए, चौथा पॉइंट है आपके सामने, शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में, एजुकेशन एस टीचर ट्रेनिंग।
शिक्षक को प्रशिक्षण दिए जाने वाली संस्थाएं शिक्षा महाविद्यालय के नाम से जानी जाती हैं। इन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण में सिद्धांत अथवा शिक्षण अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इन सभी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली अध्यापक तैयार किया जाना है। बीएड अथवा एमएड कक्षाओं की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को शिक्षा विभाग पृथक रूप में रखते हैं। इस प्रकार के शिक्षा विभागों का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना होता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में देखिए तो अध्यापक को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक ऐसी संस्था होती है जो विभिन्न, जो समाज में जो विभिन्न पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें से अध्यापक की तराशती हैं, अध्यापक को निखारती हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको तैयार करती हैं। जैसे कि दोस्तों आप बीएड करने आए हैं, एमएड करने आए हैं, तो बीएड में दोस्तों आपको कैसा अध्यापक बनना है, कैसे बच्चों के मनोविकास को समझना है, बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता, अभियोग्यता को ध्यान में रखकर कैसे बच्चों को पढ़ाना है, यह सभी तरीके आपको कहां से प्राप्त होती है, आपको शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्राप्त होती है, जहां से बीएड की कक्षाएं, एमएड की कक्षाएं चलती है, जहां से आपको शिक्षक बनने की योग्यता हासिल होती है, जहां से आपको शिक्षक बनने के लिए तैयार किया जाता है। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट है आपके सामने, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन है। एजुकेशन ऐसे सोशल चेंज, आज के युग में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा द्वारा लाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं पर भी नियंत्रण लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही नारी शिक्षा, सामाजिक रूढ़िवादिता का अंत किया गया है। अतः बच्चों में बचपन से ही समाजीकरण का समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य यंत्र माना गया है। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन है। जो समाज है, जो व्यक्ति है, यह हमेशा परिवर्तनशील है। शिक्षा भी दोस्तों परिवर्तनशील है। शिक्षा के माध्यम से जो समाज में रूढ़िवादिता फैली हुई है, विभिन्न आडंबर फैले हुए हैं दोस्तों, जो कि गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं, जो कि दोस्तों अंधविश्वास फैले हुए हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है समाज में, इसको दोस्तों समाज में शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा दोस्तों जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस शोषण को कम किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है जो व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रहा है। तो दोस्तों शिक्षा एक कैसा है, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। शिक्षा दोस्तों क्या है, शिक्षा एक परिवर्तनशील है। जैसे कि दोस्तों प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वह भी दूसरे प्रकार की थी। प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों वह शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन दोस्तों आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था दोस्तों बाल केंद्रित है। बालक की रुचि, योग्यता, अक्षमता के अनुसार देखकर हम शिक्षा देते हैं। आज दोस्तों केंद्र में कौन होता है, आज केंद्र में बालक होता है, बालक की रुचि होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। लेकिन दोस्तों पहले कैसा थी शिक्षा, पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा था। जैसे कि शिक्षक जो कह देता था कि यही आम है तो यही आम है, चाहे वह इमली ही क्यों न हो। लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज बच्चों की रुचि, योग्यता, अक्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। देखिए दोस्तों समाज जो है यह भी परिवर्तनशील है और शिक्षा भी दोस्तों यह भी परिवर्तनशील है। जैसे कि दोस्तों जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत का दोस्तों विकास हुआ है जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं। संस्कृत के बाद पाल आई, पाल के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी बोलना शुरू किया हम लोग। हिंदी बोलने के बाद दोस्तों खड़ी बोली बोले, खड़ी बोली के बाद मानक हिंदी आज हम बोल रहे हैं, भविष्य में हम इंग्लिश बोलेंगे। यह दोस्तों क्या है, यह एक परिवर्तन हुआ है बोलने के बारे में। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार शिक्षा भी सामाजिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तन है। शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों यदि हम नारी को अधिकतर शिक्षा प्रदान करेंगे तो दोस्तों शिक्षा में जो असमानताएं फैली हुई है, इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर और दोस्तों सीटेट, यूपीटेट की क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।